तो गाइस आ गए आप सब। आप मेरे स्क्रीन पर एक वीडियो को देख सकते होंगे। इसी वीडियो का एडिटिंग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। मुंबई का किंग कौन यहाँ बैठे हैं आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से वीडियो बनाना है तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा बिना स्किप किए। और ये वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि आप भी कुछ इस प्रकार का एक वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके मोबाइल में VN वीडियो एडिटर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद यहीं से VN वीडियो एडिटर ऐप को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद यहीं से आप प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लेना होगा। उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम उस बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसमें आप जो इमेज लगाना चाहते हैं उसको आप ऐड कर लीजिएगा। तो यहीं से फ़ोटो वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जिस इमेज को लगाना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस इमेज को ऐड करते हैं और यहीं से ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके बाद यहीं से आप ओरिजिनल वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसका जो रेशियो है 9:16 का कर लीजिएगा और कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा। अब इसमें आपको साउंड को ऐड करना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टैप टू ऐड म्यूजिक। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहीं से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। साउंड वाले वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप उस वीडियो को ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम उस वीडियो को ऐड करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो है, ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करके हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब हमसे यहाँ से पूछा जाएगा कि आप म्यूजिक का क्या नाम देना चाहते हैं। तो आप जो नाम देना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद यहीं से ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद उस वीडियो से जो म्यूजिक है बाहर निकल करके आ जाएगा। उसके बाद यहीं से चूज वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, फिर यहीं से आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो वो जो साउंड है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके बाद नीचे से स्क्रॉल करके आगे एक तरफ चलिएगा, अपने फोटो पे क्लिक कीजिएगा और यहीं से इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और स्क्रॉल करके आगे की तरफ चलिएगा। तो यहाँ पर आपको एक इफेक्ट्स देखने को मिल जाएगा जीतेर डाउन, चलिए आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा जीतेर डाउन, आप यहाँ से देख सकते होंगे। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ये जो एरो है आप इसको स्टार्टिंग में कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, और इसका जो ड्यूरेशन है आप 1 सेकेंड तक कर लीजिएगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। इसको हम पूरा स्टार्टिंग में कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो ड्यूरेशन है हम 1 सेकेंड तक दे देंगे, आप अच्छे तरीके से दे दीजिए। आपको ड्यूरेशन जो है 1 ही सेकेंड देना है, आप यहाँ से देख सकते होंगे 1 सेकेंड। उसके बाद यहीं से डन पे क्लिक कर देंगे। फिर हम अपने इमेज के बीच साइज में आएंगे और अपने इमेज को 2 भागों में कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के लिए यहीं से स्प्लिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो 2 भागों में कटिंग हो जाएगा। उसके बाद आप अगले फोटो पर क्लिक कीजिएगा और यहीं से इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपको एक और इफेक्ट्स लगा देना होगा जूम आउट, चलिए आपको दिखा देते हैं। स्क्रॉल करके आगे तरफ चलिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जूम आउट, आप यहां से देख सकते होंगे। इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये जो एरो है आप इसको स्टार्टिंग में कर दीजिएगा और इसका भी जो ड्यूरेशन है आप यहां से 1 सेकेंड तक कर लीजिएगा। तो चलिए इसका ड्यूरेशन हम 1 सेकेंड तक कर लेते हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहां से इसका ड्यूरेशन 1 सेकेंड तक कर दिए। उसके बाद यहीं से डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहां से आप म्यूजिक में देखिएगा, यहां से बीट गिरना स्टार्ट होता है, आप यहां से ध्यान से देखिएगा तो आप यहां पर आ जाइएगा। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहां तक आ जाते हैं, आप ध्यान से देखिए यहां तक आप आ जाइएगा। यहां पर आने के बाद यहां पर ये जो लेयर वाला जो ऑप्शन है आप यहां से देख सकते होंगे प्लस का आइकन, इस पे आप क्लिक कीजिएगा, वीडियो पे क्लिक कीजिएगा और यहां से आपको फ्लैशिंग वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हैं, तो चलिए उस फ्लैशिंग वाले वीडियो को ऐड कर लेते हैं। तो हम उस फ्लैशिंग वाले वीडियो को ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद इसको आप रोटेट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। उसके बाद इस पर आप क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देखते रहिए, कुछ इस प्रकार से हम इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। उसके बाद नीचे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो स्क्रॉल करके आप आगे की तरफ चलिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा और इसको आप यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आप यहाँ से देख सकते होंगे। तो हम इस पर स्क्रीन कर देते हैं। स्क्रीन करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है इसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है, आप यहाँ से 60 कर लीजिएगा, 50
तो हम इसको साथ तक कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और यहीं से डन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वीडियो जो कि बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद लास्ट में इसका ऐड आता है तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहीं से डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस ऐड को डिलीट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से और हमारा जो वीडियो जो कि बन के तैयार हो चुका है चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम यहाँ से प्ले कर दिए, शायद आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, हमको नहीं पता साउंड सुनाई दे रहा है या फिर नहीं से दे रहा है, आप यहाँ से देख सकते होंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। वीडियो बन जाने के बाद सेव और शेयर करने के लिए यहीं से एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप अपना क्वालिटी देख लीजिएगा और यहीं से डन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारा जो वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो हमारा जो भी वीडियो सेव हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहीं से आप सेव टू एल्बम पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो वीडियो है जो कि गैलरी में सेव हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।